अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग अपने मायने रसीद की फाइल पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर है इससे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये हमारा गैराज का एरिया, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसकी। अच्छा, कल जो सैटरडे का दिन था हमारा कच्चों का प्रोग्राम था पी सी सी करने का, लेकिन कल सुबह भी बारिश हुई, दोपहर को भी बारिश हुई, तो उस वजह से हम काम नहीं कर सके। तो कंट्रैक्टर भी नहीं चल सकता क्योंकि इंजन अभी यहाँ पर होती है, बारिश हो गई है तो पूरी काम नहीं करती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपना ड्राइविंग एरिया में आ गए हैं और यहाँ पर कंट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छे आज के दिन भी नहीं हो सकते क्योंकि 7 बजे प्लॉट में पानी खड़ा है, पानी खड़ा होने की वजह से क्योंकि हमारी बजरी और लेट वगैरह है उसका तो जो मशीन है वो नहीं जा सकती, इसलिए आज की डेट में भी हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे जो हमारा पी सी सी है। लेकिन ये हमने इसकी मैकेनिकल कंपैक्शन कर ली है, आप देख सकते हैं 7-7 दिन से रोली बैठती है, वहाँ पर हम और भी काम करते हैं ताकि कंपैक्ट हो गए। ये जो मशीन होती है हमारी देखिए काफ़ी वाइब्रेशन क्रिएट करती है और जो भी रोली है हमारी सुबह फुल क्लीन कर देती है और लेवल से आ जाता है, उसके हम दोबारा से पानी का चटा लगाते हैं और फिर उसको करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कोई हमारी सेटिस्फेक्शन ना हो गई हम कंपेक्शन नहीं छोड़ते, बार बार कंपेक्शन करते हैं। अभी बाहर तक आपको अगर आप देखेंगे तो दरमियान में से आपको पत्थर ऊँचा नज़र आता है, फिर जैसे जैसे कंपैक्टर चढ़ता जाता है, कंपैक्टर वाला राउंड लगाता है, तो वो सारा जो दाना है वो बिल्कुल एक क्लीन पूरा तक तैयार कर लेता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। एक दफ़ा हम लोग खुश रहें कि कम होते हैं और उसके बाद पानी लगा के फिर दोबारा आते हैं, लेकिन वो साथ साथ उसको बताता जा रहा है। जैसे अगर सेंटर में आए तो ये उसको अब दिखा रहा है, तो दाम को उनके बहुत जरूरी है जो हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से जो बिल्कुल हमारे सर्फेस है वो कॉन्टैक्ट हो जाती है, इसके बाद तक हम लोग उसकी वाटर लेवल पर लेवलिंग करते हैं पूरी ना ज़मीन की, उसके ऊपर हम लोग निशान लगा देते हैं, उसको हम लोग अपनी जबान में थैये लगाना कहते हैं। तो उसके ऊपर थैये लग जाते हैं, लेवल निकल आते हैं, फिर उस लेवल के ऊपर रख के हम लोग जो है वो कंक्रीट डालते हैं। अभी आप देखें तो उस टोटी पर हमने डाल दिया है और हम पानी लगा रहे हैं और पानी लगा कर दोबारा से उसको चलाना, पानी लगाने से ये होता है कि मजीद अगर नीचे से गटी में बैठना है या रोडी में मजीद चल रहे हैं तो वो सोचे इस तरह से कि पूरा हमारा 4 से 5 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स हैं उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल भी सपाट हो गया वो बिल्कुल बैठ सकते हैं। इस तरह से हम लोग पी सी सी जैसे ही होगी तो आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर तो हमारा ऑलमोस्ट बेहतर है। तो जैसे ही ये PCC ख़त्म होगी तो हमारा जो प्लस्टरों का काम है मैक्सिमम 15 से 20 डेज के अंदर रेडी होगा, उसके अलावा सारा कैंडी हमने कमरे में कैसे लेने तो यहाँ पर लाना कितना रफ है, जैसे जो लेबर डालती है वो तो लाल आते हैं उनके जाते हैं, तो उसको जो बचाना है वो कॉन्टैक्ट करना है। अब आप देखेंगे साइडों के दाने में और फ्रंट दरमियान के दाने में कितना फर्क है, दरमियान वाला दाना जो है वो अभी बैठ है और साइडों से ही कॉन्टैक्ट होकर बताता जा रहा है। तो इस तरह से हम इसलिए ग्राउंड में ग्राउंड सर्कल में सर्कल इस तरह से
लोग कहते थे कि नीचे पाइप है, तो पाइप को तो हम ऑल इन टोटली कंप्लीट में कवर कर सकते हैं। जो वाशरूम में जितना भी सीवरेज है उसको हमने टोटली कंप्लीट में कवर किया हुआ, वो बिल्कुल एक नींद की सूरत में होता है। फिर उसके ऊपर गोले डालते हैं, फिर उसकी कंपैक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काम है उसको अच्छे लेवल का काम करते हैं। वाशरूम लॉबी ते बैड, उस तो बाद बैड भी ते वाशरूम भी, ये फिर गया अगे मैं हम टीवी लाने की दूसरी वीडियो बनावांगा।